नमस्कार, खबर समय जगत में आपका स्वागत है। मैं हर्षिता जौहरी। आई नजर डालते हैं देश प्रदेश से जुड़ी तमाम खबरों पर। ग्यारसपुर में भाजपा मंडल अध्यक्ष एवं दर्जनों कार्यकर्ताओं ने सागर की तरफ जाते हुए कैबिनेट मंत्री ब्रजेंद्र प्रताप सिंह का फूलमालाओं से स्वागत किया। मंत्री ने समय जगत न्यूज चैनल संवाददाता प्रेम नारायण सूर्यवंशी के सवालों का जवाब देते हुए कहा कि विभागों का बंटवारा काफी सोच समझ कर किया जाता है, क्योंकि विभागों का बंटवारा बार बार नहीं किया जाता। सिंधिया खेमे के वजनदार पदों के संबंध में जब प्रश्न किया तो उनका कहना है ऐसा कुछ भी नहीं है। पार्टी में अंतर्कलह को लेकर सवाल किया गया तो उनका कहना है सब मिलकर एकजुट होकर उपचुनाव जीतेंगे। स्वागत कर रहे हैं पूरी जनता की तरफ से। पर एक और चीज खबरों में अभी आ रही है कि कहीं ना कहीं सिंधिया कोर्ट अपने वजनदार पदों के लिए अड़ा हुआ, इस कारण विस्तार नहीं हो पा रहा है। क्या सोचते हैं? ऐसा कुछ नहीं है, सब मिलजुल कर रहे हैं। और जो उपचुनाव आने वाला है उसको भी देखते हुए कहीं ना कहीं अंतर कलह की आवाज उठाई अपने ही पार्टी। कुछ नहीं, हम लोग सब मिलके और पूरे चुनाव जीतेंगे। खबर समय जगत के लिए जिला विदिशा तहसील ग्यारसपुर से प्रेम नारायण सूर्यवंशी की रिपोर्ट। फॉर लेटेस्ट न्यूज सब्सक्राइब टू अवर चैनल एंड प्रेस द बेल आइकॉन।